أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مختصر حمد و صلاۃ و بعد عزیز بھائیو اللہ تعالی دا نہایت ہی شکر ہے کہ جن دی توفیق خاص نال اسیں اج پھر اللہ دے گھر اندر جمع ہوئے ہاں میں دعا کرنا اللہ تواڈے تمام ویراں دا ایک ایک منٹ دا بیٹھنا قبول فرمائے اور تمام دیاں اللہ پریشانیاں بھی دور فرمائے کچھ ہی دنوں تو بعد ساڈے کول ایک مہمان آن والا ہے اور اس مہمان دی بہت ہی زیادہ عظمت اور فضیلت ہے انسان دی تباہ اندر اے بات شامل ہے کہ انسان مہمان دی ضیافت اور ان دا استقبال ان دی شان دے مطابق کر دے ساڈے کول بھی کوئی مہمان آنا ہوئے نا تے اسی پہلے ویکھنے ہاں بھی اس مہمان دی میرے نزدیک عزت کیا ہے ان دی شان دے مطابق اسی پھر ان دی ضیافت بھی کرنے ہاں ان دا استقبال بھی کرنے ہاں کہ تاکہ مہمان خوشی نال جائے اور مہمان ساڈے تو کوئی اچھا تاثر لے کے جائے
एक साडा मेहमान है ते एक अल्लाह दा मेहमान है और ये ऐसा मेहमान है कि जिहड़ा साडे वास्ते नेकियां दा मौसमी बहार लेके आ रहा है और नबी रहमत रहमत दो आलम पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा नू इस मेहमान की खबर देन लगियां फरमाया कद अजल्लकुम शहरुम मुबारका कि ऐ मेरे सहाबा तुहाडे विच अन करीब एक मेहमान आने वाला है एक महीना आने वाला है कि जिंदी अजमत अल्लाह ने बहुत ज्यादा बनाई है और उस महीने का नाम रमजान है। मेरे मोहतरम भाइयों दुआ करो अल्लाह सानू तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे कि ताकि असी रमजान मुबारक दियां बाबरकत और मुकद्दस कड़ियां दा सही एहतराम कर सकी। और इस महीने के अंदर जिहड़ा सब तो ज्यादा काम करन वाला है या एहतमाम किया जाता है वह रोजे ने। रोजे नू अरबी के अंदर सौम कहिंदे ने और इंदा लुगवी माना है रुक जाना और इंदा इस्तलाई और शरई माना यह है कि अल्लाह दे ओ अहकाम उन्हां ते अमल करना चंद दिनों के अंदर उन्हां चीज़ां तो रुक जाना जिन्हें तो रुकन दा हुक्म अल्लाह और अल्लाह दे रसूल ने दिता है। रोदा सिर्फ इस चीज का नाम नहीं कि बंदा खाना पीना छोड़ दे। असल रोदे का मकसद यह है कि जिवें जबान तो खाना नहीं इवें जबान तो झूठ भी नहीं बोलना। जिवें पेड़ के अंदर कोई लुकमा नहीं लैके जाना इवें पेड़ के अंदर हराम भी लैके नहीं जाना। तो मेरे मोहतरम भाईओ तुसी जानते हो कि पिछले तो पिछले जुमा ऐलान किया गया कि खत्मे नबूवत इंशाल्लाह गुफ्तगु होएगी लेकिन मुनासिबत कुछ इंजदी है भी दो तीन दिन बाकी ने तो मैं मुनासिब समझिया कि रमजान के हवाले नाल ही कुछ चार बातें करिए। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन ने अपनी पाक किताब पुराने पाक अंदर रोजे के मुतल्लक एक डिटेल बयान की। तो आइए जरा गौर फरमाना। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दा नाम आवे दरूद नू प्यार नाल मोहब्बत नाल जौक नाल पढ़ लो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक भाई दी चलो उन्हें गुजारिश की है अल्लाह अल्लाह के जब जुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया सल्लल्लाहु जब जुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया आसमां से दरूदो सलाम आ गया होंठ खोले तो रहमत बरसने लगी जब वो बोले तो रब का कुरान आ गया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीना पाक ते नादल होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान कर दे
फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन कबलिकुम लअल्लकुम तत्तकून। फरमाया ऐ ईमानदारो अल्लाह पाक ने तुहाडे ते रोज़ियां नू फर्द कर दिता है। हजरात मोहतरम 2 हिजरी दे अंदर यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम नू हिजरत कीतियां 2 साल गुजर गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्के ओ मदीने आए ने ना ते अल्लाह पाक ने आसमान तो रमजान दे रोज़ियां नू फर्द फरमाया और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। फरमाया कायनात दे लोगो अल्लाह पाक ने तुहाडे ते रोज़ियां नू फर्द कीता है जिवें तुहाडे तो पहलियां उम्मतां ते रोज़े फर्द कीते गए सन जिवें पहलियां कौमां ते रोज़े आए सन। हजरात मोहतरम ये जिहड़े रमज़ान दे रोज़े ने ना कल्ले तुहाडे ते फर्द नहीं होए बल्कि सारियां उम्मतां ते फर्द होए सन। हजरत इब्ने मसूद व हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान फरमा देने कायनात दे लोगो हजरत नू अलैहिस सलाम दी कौम ते अल्लाह पाक ने 3 रोज़े फर्द कीते सन यानी हजरत नू अलैहिस सलाम दी कौम महीने दे 3 रोज़े रखिया कर दी सी। फिर अल्लाह पाक ने तब्दीलियां लेके आंदियां अल्लाह पाक ने इस हुक्म नू मनसूख फरमाया। हजरत माज फरमा देने 3 तब्दीलियां आईयां रोज़िया दे अंदर फिर 3 तब्दीलियां आईयां नमाज अंदर केड़ियां केड़ियां। सब तो पहली तब्दीली नमाज अंदर आई है जेड़े मुसलमान सन ना वह पहले नमाज बैतुल मकदस वल मुंह करके पढ़िया करते सन। फिर अल्लाह पाक ने आसमान तो हुक्म नाज़िल फरमाया फरमाया कद नरा तकल्लू बाबा जही का फिसमाई फलानु वल्ली अन्ना का किबला तन तरदाहा। सोनिया महबूबा हुन अपना किबला तुसी तब्दील कर लेना है हुन तुसी मस्जिद अक्सा वाल नहीं बल्कि बैतुल्ला वाल मुंह करके नमाज पढ़नी है। शाहकोट दे वासियो जरा गल सुनिया जे जोर दा वक्त है मेरे नबी ते हुक्म नाज़िल होया है ते अल्लाह दे पैगंबर ने जोर दी नमाज मस्जिद जनाब अक्सा वाल मुंह करके नमाज पढ़ी है ते जो असर दा टाइम होया है ना मेरे पैगंबर ने किबला चेंज कर दिता है। एक मेरे पैगंबर दा सहाबी मेरे पैगंबर दे पिछे नमाज पढ़ के गया मदीनों बाहर निकलिया उन्हें चंद जवानों नूं वेख्या वो नमाज पढ़ते पे ने पर किबला उन्हां दा तब्दील नहीं होया उन्हां किबला बैतुल मकदस नूं बनाया है। वो उच्ची जगह ते खड़ा हो गया ते खड़ा हो के कहिंदा ओ नबी पाक दे जवानों नबी पाक दे सहाबियो बैतुल्ला वल किबला हो गया है किबला तब्दील हो गया है। मैं अल्लाह दी कसम चुक के कहना पिया वा अल्लाह दे पैगंबर ने नमाज बैतुल्ला वल मुंह करके पढ़ी है मैं कुर्बान जावा मेरे पैगंबर दे जान सारा तो नमाज दे विच ने रकू दी हालत अंदर ने हुक्मे मुहम्मद आ गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते लिखिए हदीस पाक अंदर रकू चो सर चुकना गवारा नहीं कीता बल्कि रकू दे अंदर ही अपना चेहरा बैतुल्ला वल फेर लिया है मुझ सिर चुकना बर्दाश्त नहीं किया क्योंकि हुक्मे मुहम्मद आ गया है नमाज दे विच ही चेहरे फेर लै। ओ को साडे रंगे नहीं सन के नबी पाक का नाम आए तो झूम जाते हैं कमली वाले का फरमान आए तो घूम जाते हैं नहीं नबी पाक का हुक्म आया तो 1 मिनट नहीं लाया। अल्लाहु अकबर अल्लाह
है। तवज्जो करना जरा, ये पहली तब्दीली आई नमाज अंदर, ते दूसरी तब्दीली आई केड़ी है नमाज अंदर। पहले अजान नहीं सी हुंदी जनाब, एक चीज खड़का दीती जांदी या घरां दे अंदर बुलाया जांदा ओ भाई नमाज दा टाइम हो गया है। फिर अल्लाह पाक ने मेरे पैगंबर दे इक सहाबी नूं अजान सिखाई ख्वाब दे अंदर, ते नबी पाक अली सलाम ने हजरत बिलाल नूं फरमाया, बिलाल अज तो बाद मस्जिद नबी होएगी मौज़न तू होएगा। दो तब्दीलियां नमाज अंदर, ते तीसरी तब्दीली केड़ी आई है, पहले नमाज अंदर गप शप ला ली जांदी गल्लां बातां, एक बंदा बाहरों आंदा नमाज खड़ीए पूछ लैंदा जवाना किन्नियां रक्तां हुंदियां हो गईयां ने, अगला बंदा बोल के कहिंदा जी तीन रक्तां हो गईयां ने। फिर अल्लाह पाक ने हुक्म मनसूख फरमाया, फरमाया ना बई ना, जो नमाज पढ़नी है उदो अपनी तवज्जो रब नाल वा कर लेनी है, उदो किसे वल ख्याल नहीं करना। ये तीन हुक्म मनसूख होए नमाज अंदर, ते शाहकोट दे बासियो इवें तीन ही हुक्म मनसूख होए रोजे दे अंदर। ओ केड़े केड़े? सब तो पहला रोजना मनसूख होया हुक्म, पहले जेड़े लोग सन जिवें मैं तुहानू पहले जिक्र कीता है, अय्यामे 20 दे रोजे रखिया करदे सन, यानी तीन दिन दा रोजा। फिर अल्लाह पाक ने पूरे महीने दे रोजे दे दिते, फरमाया ना बई हुण तुहाडे वास्ते महीना बरकतां वाला आ गया है, और रमजान दा महीना तुहाडे ते रोजे फर्ज कर दिते गए ने। एक तब्दीली आई, ते दूसरी तब्दीली केड़ी आई रोजियां दे अंदर। पहले जिंदा दिल करदा रोजा रख लैंदा, ते जिंदा दिल करदा फिदिया दे के जान छुड़ा लैंदा। मेरा दिल कीता मैं रोजा नहीं रखना, ते मैं उन्ने पैसे किसे बंदे नूं दे दियां, लै बई तू मेरी तरफो रोजे रख लै। फिर अल्लाह पाक ने हुक्म मनसूख फरमाया, फरमाया पमन शहीदा मिनकुम शहरा फल यसुम व मन कान मरीजन औ अला सफरिन व इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। फरमाया ना बई ना, एक मरीज बंदा, एक मुसाफर बंदा, इन्हां तो इलावा सारियां नूं रोजे रखने पैणगे, रोजे फर्द कर दिते गए ने। ते जिहड़ा मुसाफर बंदा है, जिहड़ा जनाब मरीज बंदा है, वह भी फिदिया दे के जान नहीं छुड़ाएगा, उन्हूं बाद विच रोजे रखने पैणगे। ये जो मसला है जनाब फिदिये वाला, एक बंदा बीमार है ते ओ जनाब किसे नूं रोजे रखवा देवे, ये जनाब मसला मनसूख हो चुकिया है। मैं पूरी दलील नाल तुहानूं एक गल समझाना चाहना वा, एक बंदा मरीज है ओ रोजा नहीं रख सकदा, ते ओ जनाब अपने 11 महीनियां दे विच कदाई दे सकदा है, यानी बाद अंदर रखे। ते अगर इस गल दा डर है कि ओ बंदा मर गया, उंदे रोजे रह गए ने, या उंदे ते ऐसी कोई बीमारी आई कि रोजे रख ही नहीं सकदे, फिर उन्दे बुरा सार उन्दे रखणगे। जिवें करोड़ रुपया वंडदे हो ना, ऐ बाप दी तरफों मैनू करोड़ आ गया, फलाना पुत्र कहिंदा मैनू मिल गया, एवें मैयत दे रोजे भी वंडने पैणगे, एवें रोजे भी रखने पैणगे। बल्कि उन्हूं वसीयत करनी चाहीदी है, बेटा इन्ने रोजे रह गए मेरे फर्दी, तैनूं रखने पैणगे। असल मसला इंजे, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो रखना दरा। दो तब्दीलियां आईयां, ते तीसरी तब्दीली केड़ी आई रोजे दे अंदर। हजरात मोहतरम, पहले इंज होया करदा कि जनाब सारा दिन बंदा रोजा रखदा, ते जदो शाम नूं खा लैंदा पी लैंदा इफ्तारी कर लैंदा, ते जदो बिस्तर ते सौ जांदा उहदा रोजा शुरू हो जांदा, यानी दिन ते रात दा रोजा होया करदा। फिर अल्लाह पाक ने आसानियां लैके आंदियां, अल्लाह पाक ने रहमतां लैके आंदियां। एक मेरे पैगंबर दा सहाबी है, वो सारा दिन काम काज करदा रहा, जो शामा पईयां थकिया टुटिया घर विच आया ना, ते आके वेखिया बेगम नूं कहण लगा बे जनाब अफतारी दा वक्त हो गया है, खाना लैके आना। उन्हें आख्या करमा वाले आओ खाने विच ते बड़ी देर है, थकिया सी ना नींद आ गई, बिस्तर ते जनाब अपनी चार पाई ते लेटिया, ते लेटिया लेटिया नींद आ गई। ते जदों खाना तैयार होया ना, बेगम ने आख्या करमा वाले खाना खा लै,
उन्हें आख्या हूं ते मैं सौ गया वा ते वक्त गुजर चुके आए लिहाजा इंज रोजा रखना पिया यानी कानून सी ना जदों बंदा सौ गया उदो रोजा शुरू हो गया वो बंदा क्योंकि सौ गया ते जदों बाबा देर बाद उठिया उन्दे दिल अंदर ख्याल आया यार मैं ते सौ के उठ पिया वा इवें रोजा रखना पिया आसमान ते मेरे परवरदिगार नूं मेरे पैगंबर दे यार दा गम वेखिया नहीं गया दर्द वेखिया नहीं गया दिने भी भुखा रहा है ते रात भी भुख नाल कटीए अल्लाह पाक ने हुक्म ही मनसूख कर दिता फरमाया ओ हिल्ला लकुम लैला तसिया मिर्रा फसु इला निसाईकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना अलिम अल्लाह अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अन्फुसकुम फरमाया हुण इंज नहीं होएगा हुण दिने दिने रोजा होएगा ते रात तुसी खा सकदे हो रात नू अफतारी कर सकदे हो बेगम दे करीब जा सकदे हो जितने भी मामला अल्लाह पाक ने रात दे वक्त दा रोजा तब्दील कर दिता अल्लाहू अकबर अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अल्लाह पाक ने ईमानदारा नू हुक्म दिता है अल्लाह ने मोमना नू हुक्म दिता है मोमनो तुहाडे ते रोजे फर्द कर दिते गए ने अल्लाह जानदा है बड़े लोग मोमन बने फिरदे ने इश्तिहारां ते लिखवाना सौखा है ऐ बैनरां ते मोमन लिखवाना बड़ा सौखा है ऐ रमजान ने फर्क करना है और रमजान विच पता लगना है किहड़ा कच्चा कच्चा मोमन है ते किहड़ा पक्का पक्का मोमन है बड़े बड़े फर्क निकलने ने जिहड़ा पक्का पक्का मोमन होएगा उह ते रोजा रखेगा उह मसीतो लबेगा ते जिहड़ा कच्चा कच्चा मोमन है होटल दे पिछो कनातां दे पिछो लबेगा पता लगेगा ये कच्चा मोमन है ओए दुआ करो अल्लाह सानू पक्का मोमन बना दे अल्लाह सानू रोजे रखण दी तौफीक अता फरमाए अल्लाहू अकबर अल्लाह तवज्जो रख अल्लाह जानदा है असी फर्दी नहीं रखते ते मेरे पैगंबर दे यार मेरे पैगंबर दे सहाबा ता नफली रोजिया दी इन्नी पाबंदी कर दे अल्लाहु अकबर अल्लाह सीयर आला मिनबला विच लिखिया है सैयदना इमाम ज़हबी बयान करदे ने हजरत इमरे उमर जा रहे ने सफर दे अंदर एक जगह ते मदीने दे अंदर पराओ डालिया ते जनाब भुख लगी है फरमाया खाना लेके आओ ना खाना लिया गया ते इंज सामने नजर मारी एक बंदा बकरियां चरांदा फिरदा है ते आवाज दी इधरा भी बकरियां दिया चरवाया उनू बुलाया गया फरमाया आ भी रल के खाना खाने आओ तू भी खाना खा ते मैं भी खाना खाना वा उन्हें आख्या जी अल्लाह तुहानू बरकत देवे मैं ते रोजा रखिया होया है मैं ते रोजे दी हालत अंदर आओ ते सैयदना इब्ने उमर हैरान हो गए फरमांदे ने ओए सख्त अरब दी सख्त गर्मी है ते तू नफली रोजा रखी फिरना है ऐ की पिया करना है अपने आप ते मुशक्कत क्यों पाना है उन्हें अगो जवाब की दिता उन्हें आख्या इब्ने उमर जी मैं मुशक्कत नहीं करदा मैं ते अपने रब नू राजी करना वा मैं मुशक्कत नहीं करदा मैं ते अपने रब नू राजी करदा पिया वा यारो दसन दा मकसद देवे ओ नफली रोजे दे कसरत ना रख दे असी फर्दी नहीं रख दे अल्लाह जानदा कईआं बंदियां दे बारे पता लगदा है बड़ा नेक है बड़ा नमाजी है पता लगदा है ते कदी रोजा नहीं छड़िया लेकिन पता उदों लगदा है जदों भी कुछ है खादी फिरदा है उदों पता लगदा है ये भी रोजा नहीं रखदा अल्लाहू अकबर अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम फरमाया रोजे तुहाडे ते फर्ज कर दिते गए ने रोजा रखना पैगा जिहड़ी रुखसत ते मैं तुहानू दस दित्ती है इस तों इलावा कोई बहाना नहीं चलना अल्लाह जानदा होर बड़ियां तब्दीलियां आणगियां होटलां दे सामने कनाता लग जाणगियां लुक लुक के जवान बंदे खांदे नजर आणगे अगो आखणगे मौलाना कनातां ते तां लाईआं ने ताकि रोजेदार बारों गुजरदे ने उन्हां दे दिल नूं तकलीफ ना होवे
वाओ मुसलमाना उन्हां दे दिल दी तकलीफ महसूस करना है ते जिस मालक ने रोजे फर्द कीते ने उन्दे दिल नूं तकलीफ नहीं पहुंचदी। ओए रोजेदारा तैनूं की कहना है, शर्म करनी है ते अपने रब कोलों करिया कर, हया करनी है ते अपने रब कोलों करिया कर। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन कबलिकुम। फरमाया रोजे रखो, रोजियां दा मकसद ए वे तुहानू तकवा लभ जांदा है, तुहानू तकवा सिखांदा है रोजा। ए रमजान आ गया ना, बंदे बड़े बड़े मसले पूछणगे, अजीबो गरीब भी मसले पूछते ने, जनाब फलाना मसला कहते फलाना ते कई सही भी मसले पूछने चाहिए ने, ते लेकिन सारे पूछने चाहिए ने, अते विचो रखने नहीं चाहिए। ए जनाब सुरमा पाया रोजा टुटदा कि नहीं टुटदा, ए मुँह च रतूबत आ जाए पानी अंदर लंघ जाए रोजा टुटदा कि नहीं टुटदा, किड्डा भोला है। इंज दे मसले पूछदा है जेडे सौखे सौखे ने, यह मसला कदी किसी नहीं पूछया के मौलाना रोदे ता माना ते तकवा सिखाना है, ते मैं जनाब अद्धा किलो घ्यो पावा, अद्धा किलो डीजल पावा, ते शाम समोसे कट कट के बेची जावा, रोदा टुटदा के नहीं टुटदा, इंज दा मसला कदी किसे नहीं पूछिया। के मौलाना मैं पुरानियां खजूरां नूं तेल ला ला के अवतारी टाइम रोदेदारां नूं खवाई जावा, रोदा टुटदा के नहीं टुटदा, इंज दा मसला कदी नहीं पूछिया। मौलाना चार पंजा दिना दा बासी मसाला समोसियां च पा पा के वेची जावां, ते रोजेदारां दी तबीयत खराब होवे, इंज दा मसला कदी किसे नहीं पुछिया। मौलाना मैं रोजा भी रखिया होवे ते जबान चो मन मन दे झूठ बोली जावां, रोजा टुटदा कि नहीं टुटदा। ओए सुन मसला, रोजे दा माना तकवा है, अगर रोजा रख के तू झूठ ही बोलना है, अगर रोजा रख के तू मुसलमाना नूं ठगियां ही लानियां ने, अगर रोजा रख के तू जबान चो गीब ताई करनिया ने, और तेरा कांदा रोजा है, रोजा ते तैनू जनाब तकवा सिखांदा है, रोजा ते तैनू दसदा है जिवें जबान तो खाना कुछ नहीं एवें झूठ भी नहीं बोलना, ते तू सारा दिन ठगियां लाए ते रात नू कवे मेरा रोजा सलामत रवे, तेरा कांदा रोजा है, रोजा ते तकवा सिखांदा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो रखना दरा। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोजा तुहानू तकवा सिखांदा है, जिवें जबान चो खाना नहीं दा, इवें जबान चो चुगली नहीं करनी। ते मेरे नबी ने फरमाया, फरमाया कायनात दे लोगो, जिहड़ा बंदा सही मानिया दे अंदर रोजा रखदा है, रोजा रख के झूठ नहीं बोलदा, रोजा रख के जबान चो गीबता नहीं करदा, रोजा रख के हराम दी कमाई नहीं खांदा, रोजा रख के सारे मामला तो पाप साफ हो जांदा है। मेरे आका फरमांदे ने, असौम जुन्ना तुन रोजा एक डाले गुनाहां तो बचा लैंदा रोजा बंदे नूं। ते मेरे आका फरमांदे ने, एक बंदे ने रोजा रखिया है, दूसरा बंदा उहदे नाल लड़ना चाहुंदा है, जबान चो जनाब गालियां ते जनाब बुरे अल्फाज बोलदा है, ते बंदा कहिंदा इन्नी साइमुन, मैं ते रोजा रखिया होया है, मैं रोजे दी हालत अंदर आ। मेरे आका फरमांदे ने, इंज करके हर हर किस्म दी जनाब गंदी बुरी गल तो बच जांदा है। अल्लाह पाक फिर इनाम ही बड़े देंदे ने, अल्लाह पाक फिर बंदे ते बड़ियां रहमतां करदे ने। सब तो पहला इनाम, जिहड़ा बंदा सही मानियां दे अंदर रोजा रखदा है। ऐ सुनिया जे खुशखबरी मेरे आका दी, मेरे आका फरमांदे ने, वल्लदी नफसी मुहम्मदिन बियादिही, फरमाया कायनात दे लोगो, उस जात दी कसम है जिस कब्जे कब्जे दे अंदर मैं मुहम्मद दी जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला खलूफ फा मिसाइमी अतयब इंदल्लाहि मिर्रिहिल मिसक। अल्लाह जानदा किड्डा प्यारा इनाम है। अल्लाह फरमांदे ने, सारा दिन बंदे ने भूखा कटियां ने, कुछ नहीं खादा, क्यों नहीं खादा, मेरा रब मैनू वेखदा है। अल्लाह अल्लाह, ते जदों शामां पै जांदियां ने, रोजेदार दे मेदे विचों
या मुंह दे अंदरों जड़ी बदबू निकलती है ना असी बदबू कहने रब कहता है मैनू कसूरी नालो प्यारी लगती है इंज दी खुशबू फुलां चो नहीं आती नीरो दे दार दे मुंह विचों आती है इंज दी खुशबू कितों नहीं आती जिड्डी प्यारी मैनू दे दार दे मुंह विचों जनाब बो असी बो कहने अल्लाह पाक उन्हूं खुशबू कहते ने अल्लाह अकबर अल्लाह की अगली हदीस सुनना मेरे पैगंबर ने फरमाया मन सामा बादल्लाहू वजहहू फिनार वजहहू फिनार जड़ा बंदा एक रोजा रख दे एक रोजे दी बरकत नाल अल्लाह पाक जहन्नम तो 70 साल दी मुसाफत दे बंदे नूं दूर कर छड़ दे ने एक रोजा रखने नाल 70 साल की मुसाफत जहन्नम दूर हो गई ते जिन्ने तीर रख लै उते जहन्नम तो आजाद हो गया ना उते रहमता ही नथ पईआं ओए दुआ करो अल्लाह सानू रमजान की कदर करन की तौफीक अता फरमाए अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करना जरा गौर कर दे जाना एक होर बड़ी प्यारी हदीस ऐ तुसी ऐ सुनिए ना इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी ऐ किन्नी दफा मैं पढ़ चुकिया वा हर बंदे नु इहदा तर्जमा भी आंदा है हुण एवें दी हदीस सुन लो जरा सहीह बुखारी विच आंदा है मेरे आका फरमांदे ने इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अल्लाह दे फरिश्ते बंदियां ते दरूद पढ़दे पै हुंदे ने अल्लाह दा दरूद की है रहमतां नाज़िल करना अपने बंदे अल्लाह दा दरूद कीए बरकतां नाज़िल करना अपने बंदियां ते अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो रखना दरा एक होर हदीस सुन लो दरा अल्लाह जानदा फुल रंगी हदीस है मैं जदों हदीस पढ़ी है ना अल्लाह जानदा रूह ताज़ा हो गई है मेरे पैगंबर ने फरमाया असौमुली व अना अजजी बिही असौमुली व अना अजजी बिही मुहद्दिसीन ने दो तीन माने कीते ने अल्लाहु अकबर अल्लाह ये तीन माने मैं तुहाडे सामने बयान करन लगा वा फरमाया असौमुली व अना अजजी बिही फरमाया रोजा मेरे लिए अजर भी मैं दियांगा अजर भी मैं दियांगा मैं कुर्बान जावा किड्डा प्यारा समा होएगा फरिश्ते हर नेकी लिखदे ने बंदा नमाज पढ़दा है ना फरिश्ते नमाज वाली नेकी लिख लैंदे ने बंदा सदका करता है ना फरिश्ते जल्दी जल्दी लिख लेंदे ने ते मैं कुर्बान जावा एक वरी मंदिर ते सामने लेके आऊं ना बंदे ने रोदा रखिया है फरिश्ते ने कलम फड़िया अल्लाह जी की लिखा फरमाया रुक जा तू लिख ही नहीं सकदा रोजे दा अजर इन्ना ज्यादा है मैं खुद लिखांगा इंदा अजर मैं ही दे सकना वा मेरे फरिश्ते तू नहीं लिख सकदा एक ते माना है वे अगला माना किए मेरे पैगंबर ने फरमाया इमाम ज़हबी शोबुल ईमान में लिख देने वा आना अजजी दा दूसरा माना किए कल कियामत दा दिन होएगा ते बंदे कोल बड़ियां नेकियां होणगियां तहज्जुदां पढ़दा रहा है नमाज़ां पढ़दा रहा है बड़ियां नेकियां लेके आया है एक बंदा दौड़िया अल्लाह दे सामने आके खड़ा हो जांदा है कहंदा अल्लाह सोणिया इंदे बारे जन्नत दा ऐलान हो गया है फरमाया जी दी ऐलान हो गया है अल्लाह सोणिया फलाने मौके ते मैनू नजायज ने मारिया मैं कुछ नहीं कर सकिया अल्लाह फरमानगे कोई गल नहीं नेकियां चुक इस बंदे नूं दित्तियां जाणगियां एक दूसरा बंदा आएगा अल्लाह मैनू फलानी जगह ते गाल कड्डी इन्नियां नेकियां दित्तियां जाणगियां हत्ता कि हदीसे पाक नेकियां मुक गईयां ने इमाम ज़हबी शोबुल ईमान में लिखदे ने पूरी
नल गल पिया करना वा आना अजी दा मन एक लिखिया गया है सारिया नेकियां मुक गईयां ते बंदे कुल रोदा रह गया है ते जनाब बाकी लोग खड़े ने आंदे ने अल्लाह सोणिया मेरे ते भी जुलम कीता रोदा मैनू दे दिओ ना ते अल्लाह फरमानगे नहीं नहीं मैं अपने बंदे दा रोजा नहीं दे सकदा ये मेरे बंदे ने मेरी खातर रखिया है मैं अपने कोलो तुहानू रहमत दे देना वा मैं अपनी रहमत नाल तुहानू माफ कर देना वा यानी अपने कोलो रहमत मंड देना वा पर अपने बंदे दा अमल नहीं दे सकदा ये रोजा तुहानू नहीं मिल सकदा क्योंकि मेरे बंदे ने मेरी खातर रोजा रखिया है एक तीसरा माना ते आखरी माना की है फरमाया अस्सौमुली वानाजजी बिही अस्सौमुली वानाजजी बिही जदो कल कियामत दा दिन होएगा ना ते जन्नती जन्नत दे अंदर बड़िया नेमता खा पी रहे होणगे एक नेमत रह जाएगी ओ नेमत बड़ी वड्डी उस नेमत दा नाम अल्लाह दा दीदार है उस नेमत दा नाम अल्लाह दा दीदार है हदीस पाक अंदर आंदा है सब तो पहला अल्लाह रोजेदारा नु अपना दीदार करवा छेगा उस मालक दा दीदार करना है जिस मालक दी खातर ओए जदो भुख लगे हुण ते वैसे ही अल्लाह दियां रहमतां ने कोई इन्नी शिद्दत वाली गर्मी नहीं भुख लगे प्यास लगे आसमान वल मुंह करके कह अल्लाह बीमार सां भुख बड़ी लगी है पर रोजा रखिया है तेरा दीदार करना है मालका और अल्लाह दी कसम है बंदे ते बड़ियां परेशानियां होंदियां ने बड़े गम होंदे ने लेकिन जदों मालक दा दीदार करना है सारियां परेशानियां मुक जानियां ने दुआ करो अल्लाह सानू जन्नत अंदर मालक दा दीदार नसीब फरमाए अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो रखना जरा गौर कर दे जाना फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम अल्लाह ए ते रोज़ियां दी फजीलत हो गई अल्लाहु अकबर रमजान दी फजीलत रोज़ियां दी फजीलत अगे हुण रमजान आंदा पिया है ना रमजान विच करना की है केड़े ओ मेन काम ने करन वाले जल्दी जल्दी गल सुनाइए जरा अल्लाहु अकबर अल्लाह सब तो पहला काम खिदमत खलक यानी ऐसे बंदे जेड़े रोजा भी रखते ने मवाहद ने तुहानू पता है गरीब बेचारा माड़ा इहदे कोल कानू कुछ नहीं उन्हां दे घर जाके राशन देना है या खुफिया तौर ते उहदी मदद कर देनी है अल्लाह जानदा है पता नहीं कौन नू की बनिया पिया है दो किलो दा राशन देंदे ने ते फोटो ला के गरीबां नू जलील करदे ने पता नहीं इस कौम नू की बन गया है थोड़ा जा राशन दे के गरीबां दी लंबी लाइन लवा देने ये मुसलमानां दी तजलील नहीं ते क्या है मेरे भाई फोटो नहीं अगर तू चाहना है किसी दी को खिदमत करना राशन ले ले जिन्नी अल्लाह ने सदा दिती है ना घरे जा के दे किया रियाकारी कोलो बच के दे किया तेरे अमल विच इखलास होना चाहिदा है तेरे अमल विच खूबसूरती होनी चाहिदी है तेरे अमल विच जनाब हुसन होना चाहिए मेरे पैगंबर ने फरमाया मन अफ्तार साइमन जेड़ा बंदा किसे रोजेदार नु रोजा अफ्तार करवा देंदा है अल्लाह पाक उन्हें अजर उन्हें अता कर देने यानी अल्लाह पाक उस बंदे दे अजर विच भी कमी वाकिया नहीं होने देंदे आपने कोलो इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट अल्लाह पाक उस बंदे नु अजर अता कर देने अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे पैगंबर दे बारे भी यही लिखिया गया है मेरे पैगंबर अली सलाम रमजान दे अंदर बड़ी सखावत करिया कर दे सन हत्ता के इथो तक लिखे आए मेरे पैगंबर एडे सखी हो जांदे एडी ते चलन वाली हवा भी तेज ना होया कर दी जिटा नबी पाक सखावत कर दे ऐ तुसी बरूने मलका मुल्का दे अंदर भी चले जाओना अल्लाह दे घर बैतुल्ला विच भी चले जाओना अल्लाह जानदा लोग सखी बन जांदे ने सखावत करदे ने लेकिन इस मुल्क दे अंदर कैसे कानून आ गए ने हुण चीज़ां सस्तियां ने रमजान
जान अंदर महंगिया हो जाएगी यार किथे गई इंसानियत। लेकिन मैं तुहानू कहांगा तुहानू भी या जिथों तक मेरी आवाज चली जाए खिदमत ते खलक कीजिए इंसानियत की खिदमत कीजिए बड़ा वड्डा अमल है। ते दूसरा काम मैं तुहानू पहले दस चुकी वा रोजा रखना है बहाना नहीं लाना सफर का बहाना नहीं लाना बीमारियां का। जिस रब को जन्नत लैनी है ना उस मालक की खातर थोड़ी जी मुशक्कत आ जाएगी ते की हो गया अल्लाह पाक को जन्नत भी लैनी है ना थोड़ी जी मसले दियां गल्लां सुन लो। ऐ जड़ी रोजा जनाब नीयत की दुआ आम चलती फिर दिए ना वाबी सौमिन अल्लाह अकबर मिन शहरी रमदान ऐ मन गड़ दवाए नीयत की दवा किसे कुरान विच नहीं लिखी ना नबी पाक की हदीस विच लिखी जे। मैं तुहानू पूरी जिम्मेदारी नाल गल कर रहा वा एक ऐ भी कहना एक होर भी खबर चलती पई है जे रमजान तो पहला सलामी रोजा रखना ये किसे हदीस विच नहीं लिखिया ना किसे कुरान की आयत विच लिखिया है। अल्लाह जानदा है अजीबो गरीबी खबरा एक खबर चलन डई सी भी रमजान तो पहला जेड़ा बंदा रमजान की खबर देगा अल्लाह पाक उन्दे ते जहन्नम की अग नू हराम करेगा। ये किते लिखिया भाई ए आम फेसबुक ते चली फिर दी है आप दे कोलो ही नबी पाक दे बल हदीसा मनसूब करना ये किते नहीं लिखिया इंज ते फिर खबर ही दिती जाओ रोजे रखने की केड़ी जरूरत है। भाई वो ही हदीस है जो कमली वाले की जबान से निकलती है बल्कि जेड़ा बंदा ऐसी को गाल मेरे पैगंबर वाल मनसूब करे होते बंदा आप जहन्नम दा बालन बनना चाह रहा है। अल्लाहु अकबर अल्लाह ते अगली गल रोजा रखना भी अजान ते रोजा छड़ना भी इतने की होंगे कोई रोजे अल्लाह जानता कई बंदे पीपा खड़कता पे है कोई उन्दे ते रोजा पे छड़दे ने कोई उन्दे ते रोजा रखते पैने कोई ढोल ते रोजा पे छड़दे ने कोई घुघू पे खड़कांदे ने। ओ भाई अजान अजान को छोड़ा तो बिदत हमारे पल्ले में आई है या अजान नु छड़िया ढोल पल्ले पै गया अजान नु छड़िया ते पीपा पल्ले पै गया अजान नु छड़िया ते कुगू पल्ले पै गया। अजान पे रोजा खोलिए अजान पे छोड़िए अजान पे रखिए अजान है। अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो रखना जरा अगला कम केड़ा है रमजान के अंदर तरावियां दे तमाम करना। अल्लाहु अकबर अल्लाह मां जी आयशा सिद्दीका सब कहो रजी अल्लाह ताला अन्हा दे कोलो पुछिया गया महबूब दी सलात तरावी दे बारे सलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमजान मां जी कोलो पुछिया गया मेरे पैगंबर किन्नियां तरावियां या क़ियामुल लैल दी कैफियत की सी ते मां आयशा फरमांदी है हदीस सही बुखारी में है नबी पाक दी प्यारी बीवी फरमांदियां ने नबी पाक चार रकतां पहले पढ़ दे ते चार रकतां बाद विच पढ़ दे यानी अठ तरावियां मस ने मेरे पैगंबर दे कोलो साबत ने नबी पाक फिर तीन रकतां पढ़ दे यानी दो नफल ते एक वितर नबी पाक इस्लाम पढ़िया कर दे। हाँ अलबत्ता मेरे पैगंबर ने तरावियां दी नमाज तीन दिन करवाई है तिना दिना तो ज्यादा नहीं करवाई। लेकिन इत्थे एक मसला याद कर लो हजरत उमर फारूक अल इस्लाम जनाब रजी अल्लाह तआला अन्हु दे दौर अंदर उन्होंने वेखिया नबी पाक अल इस्लाम दे सहाबा कोई उत्थे खलो के नमाज पिया पढ़ दे कोई उठे खलो के नफल पिया पढ़ दे। हजरत उमर ने फरमाया इतना करिए तुसी कठे हो जाओना एक बंदा इमाम बन जाए आप रल के क्याम कर लेने हूँ तुसी आखोगे हजरत उमर ने ते नवा काम किया नहीं नहीं कोई बिदत याद नहीं की बल्कि नबी पाक के दौर अंदर नमाज होई है अल्लाह के पैगंबर ने जमात करवाई है तरावियां दी। असल अंदर गल जो होई है अल्लाह के पैगंबर ने तीन दिन तरावियां किवें पढ़ाइया पहले दिन क्याम करवाया चंद सहाबा ने क्याम किया अगले दिन सहाबा बद गए सहाबा ने गल्लां कीतियां या नबी पाक ने राती क्याम यानी तरावियां पढ़ाइया ने अगले दिन सहाबा होर बद गए नबी पाक ने फिर जमात करवाई है फिर तीसरा दिन आया नबी पाक ने सहाबा गल्लां कीतिया
ਜਾਓ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਰਾਤੀ ਤਰਾਵੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਹਾਬਾ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤੰਗ ਪੈ ਗਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਮਾਤ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਹਾਬਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸੁਬਾ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜੀ ਜੀ ਮਹਬੂਬਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਯਾਨੀ ਤਰਾਵੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਨਫਲੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਨਫਲੀ ਇਬਾਦਤ ਅੱਠ ਮਸਨੂਨ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਹਾਂ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫਲ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਨਫਲ ਪੜ ਸਕਦਾ ਏ ਅਲੈਦਾ ਪੜ ਲਵੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਫਲੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਕਾਮਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਲਓ ਜੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਰਾਵੀਆਂ ਨਾ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਕਾਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਈਮਾਨ ਅਲ ਵਹਿਤਸਾਬਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਆਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੋਦੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਤੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰੋਦੇ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ ਪੂਰੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਕਿਆਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡਣਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਕਿਆਮੁਲ ਲੈਲ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕਿਆਮੁਲ ਲੈਲ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇਤਕਾਫ ਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮਾਂ ਦੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਰੇ ਦਾ ਇਤਕਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਸਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਇਤਕਾਫ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਯਾਰੋ ਇਤਕਾਫ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਇਤਕਾਫ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ ਸਹੀਹ ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਹਲੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮੰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ 1 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਵਿੱਚ ਇਤਕਾਫ ਕਰਾਂਗਾ ਯਾਨੀ 1 ਦਿਨ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਜਾ ਤੂੰ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਇਤਕਾਫ ਕਰਕੇ ਆ ਯਾਨੀ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਇਤਕਾਫ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਏ ਔਰਤ ਵੀ ਇਤਕਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਏ ਮਰਦ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਏ ਲੇਕਿਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਤਕਾਫ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਇਤਕਾਫ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਦ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਕਾਫ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਤਾਕ ਰਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਕ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 27ਵੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਕ ਰਾਤ ਏ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਾਬ 29ਵੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਕ ਰਾਤ ਏ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ 21ਵੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 27ਵੀਂ ਰਾਤ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 21ਵੀਂ ਰਾਤ ਸੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤਾਕ ਰਾਤ ਸੀ ਜਨਾਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਥਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਯੇ ਤੇ ਵੋ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਝੂਠੇ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਲਓ ਜੀ ਬਸ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਾਤ ਪੱਕੀ ਰਾਤ ਤਾਕ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਬਲਕਿ 10 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਫਤ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੰਗੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਅਸਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਲੁਤਫ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲੈ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਾ ਅਲ ਬਲਾਗੁਲ ਮੁਬੀਨ।